से आए हुए थे, दूसरे घर कलाकार गोष्ठ से जुड़े हुए मेरे मित्रगण आदरणीय भूवन जी और साथ में सुरेन मिश्रा जी, मेरी धर्म पत्नी आदरणीय सुमिता जी पहले तो क्षमा प्रार्थना चाहूंगा। मैंने सोचा था कैजुअल सा यहाँ पे सवाल पूछना होगा और मैं उत्तर देके निकल लूंगा, तो मैं ऐसे आ गया। अब मुझे क्या पता था यहाँ पे चाहे आप सुपर डांसर हो या सुपर सिंगर हो या सुपर एक्टर हो, सुपर बिजनेसमैन के बिना कैसे होगा और उसके लिए सुपर कंपनियां भी चाहिए और वो कंपनियां बहुत तेजी से आपके इस देश से आगे बढ़ रही है, आप लोग आगे निकल रहे हो। मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस का जो वर्ग है वो बैकबोन है, वही उसी की वजह से देश आगे निकलता है, उसी की वजह से किसी न किसी रूप में आपकी पहचान होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर कहीं भीड़ में खड़े हो जाए तो लोग पहचानते नहीं, तो पहचान आपकी आर्ट एंड कल्चर से हुआ करती है क्योंकि आप आपके जड़ से जुड़े हुए हैं और आपकी जड़ से जुड़ा हुआ जो पेड़ होता है वो चाहे जैसा ऊपर जाए वो जड़ से जुड़ा है तो वो हरा ही रहेगा, वो सदैव खुशहाल रहेगा। तो आर्ट एंड कल्चर से आप लोग जुड़ के बहुत से ऐसे बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत से ऐसे जो कलाकार वर्ग के लोग हैं जो आगे निकल रहे हैं, जो विश्व में क्या क्या रूप में स्थापना पैदा करेंगे इस देश की, उसके असली माई बाप आप लोग हैं और ये आगे चल के वो भी मानेंगे कि माँ बाप तो जो वो है जो पैदा किए हैं, परंतु जो उसका कमाया हुआ पैसा आपके साथ लगाता है उसका सदैव धन्यवाद दिया जाए। हमें ऐसा लगता है कि वो लोगों के प्रोडक्ट के लिए हम लोग पब्लिसिटी देते हैं, पब्लिसिटी देने की वजह से वो प्रोडक्ट चलता है, ये गलत फहमी से सब बाहर निकले। मुझे ऐसा लगता है सब एक दूसरे के लिए सामंजस्य बना के चलते हैं तो टॉप पे आ जाते हैं और पूरा देश आगे निकल। सुनिश्चित प्रतिफल पांचा दस गुणा, यह सर्वश्रेष्ठ दस गुणा मुद्दती योजना। ये क्षमा क्षमा इस अचानक इसलिए है कि हम फिर हम चल रहे हैं और ये हम आर्टिस्ट लोग जो है वे और फॉलो कर दो पॉइंट विश्वास देव सभी तो दिलता पत्रम का मतलब ये विश्व में जो अच्छा है जो शुभ है हम आर्टिस्ट आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए है और जो अशुभ है कहीं दूर निकल जाए। आगे कभी गलत नहीं हुआ, कभी मुझे तकलीफ नहीं आई, तकलीफ के दौर में भी तकलीफ नहीं आई और कई साल हो गए फिल्में नहीं लगी परंतु मेरी फिल्मों के डांस और गाने चलते रहते हैं और मेरा ऐसा सोचना है कि जो काम हम कर दें वो लोग याद किया करें। आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए आज हम लोग यहाँ पे हैं, अरे गोविंदा आप लोग से हम वहां पर ऐसे मिले थे उस जगह पे, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल विधि है, सरकार एक दूसरे का सम्मान तो हो गई है, परंतु इस विधि के वजह से जो बच्चे टॉप पे आ जाए उसमें से और गोविंदा निकलेंगे और बहुत सारे अक्षय कुमार निकलेंगे, बहुत सारे टॉप लोग निकलेंगे, वो क्या अच्छा माहौल तैयार होगा। अब किसी एक फूल का तो कभी गुलाब नहीं होता, बगीचा तो होता नहीं है, बगीचे के लिए बहुत सारे फूल चाहिए, बहुत सारी व्यवस्था चाहिए और उसके ईश्वर ने आप लोगों को फिलहाल आप लोग माली की तरह हो गया और हाँ माली की तरह ही आप लोग और इसे जो आप आपकी क्षमताओं के साथ पिरोने में लगे हुए हो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नेपाल की धरती के मैं सदैव सभी से कहा करता हूँ कि
कि जो माँ मुझे जो मिली है वो तो माँ है ही है, सासू माँ माँ ही हुआ करती है। और साथ साथ में वो सब माए जो अपेक्षाओं की निगाहों से आप लोग की तरफ देख रही है, वो सभी की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। लव यू ऑल। और एक मैं कविता आजकल मैं कहीं भी निकलता हूँ तो ये कविता पढ़ा करता हूँ, ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है, जो पत्रकार वर्ग है वो लोगों के लिए है कि कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों के उमड़ते प्रसंग है, ये नदियों की गलगल ये समय की है धारा, के देश के हृदय से है किसने पुकारा, ये दौलत की ढेर पे तन की तड़प, ये मनुष्यता के मन पे बेबाकियों की झड़प, ये रेतों की माओ के आंसुओं से डूबा सा सहरा, ये युवा पीढ़ियों पे विषाक्त हवाओं का पहरा, आवाजें कई परंतु एक ही नारा है, जननी का हृदय अब और न धोखे सहेगा। ये मनोरंजन शब्द में इसी में अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो मां है और उसका बच्चा है और उसे किसी प्रकार का कष्ट ना है, ये इस लफ्ज में है। लफ्ज भी नहीं कहूंगा, इस शब्द भी नहीं कहूंगा, इस वाक्य में ये है जो मनोरंजन हम कहते हैं। तो हमारा ऐसा सोचना है कि इसका ये बॉलीवुड शब्द से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसे थोपा गया है। और मेरा ऐसा सोचना है कि ये शब्द से हम लोग बाहर निकले और बिजनेस की तरह देखना शुरू करें, चाहे वो आपका हो चाहे वो फिर लाइव का हो। लव यू ऑल, धन्यवाद। Thank you so much.